होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी कैसे आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी आज की वीडियो में मैं बहुत मज़ेदार बहुत यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिपोटले चिकन बाइट्स की ये रेसिपी आपको जानी पहचानी ज़रूर लगेगी लेकिन है ये बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार के एफ़ सी बाइकआउट करने के बाद अगर किसी का भी घर पे इस तरह का चिकन खाने का दिल करे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और क्योंकि के एफ़ सी बाइक हो गया है तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत से लोग के एफ़ सी को पसंद करते थे तो उसके ऑल्टरनेटिव में ये ख़ुद बना के घर से सेल कर सकती हैं बिजनेस कर सकती हैं तो बिल्कुल के एफ़ सी जैसा टेस्ट आएगा हंड्रेड परसेंट अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करके इसको बनाएंगी तो फ्रोज़न फूड की कैटेगरी में आप आराम से इसको सेल कर सकती हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए यहाँ पर किचन स्केल या ये वजन करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं इसको किचन स्केल बोलते हैं ये मस्ट है क्योंकि इसी से कॉस्ट निकलती है आपकी प्राइसिंग प्रॉफिट इसी की बेस पर होता है अच्छा इसमें मैंने वजन कर लिया चिकन का तो चिकन मैंने लिया यहाँ पर टू फिफ्टी फिर यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर गार्लिक पाउडर टू ग्राम्स यानी कि वन टी नमक ऐड करेंगे इसके अंदर फाइव ग्राम्स टू ग्राम्स मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड किया था सॉल्ट ऐड किया तो वो सेवन हो गया फाइव ग्राम सॉल्ट है टी स्पून में वो है वह एंड हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर मैंने ऐड की है यहाँ पर टू ग्राम्स हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की है लेकिन उसका वेट जो है वो इसके ऊपर नहीं आया लेकिन हाफ़ टी स्पून है ठीक है फिर यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया मैंने चिपोटले सॉस बहुत आराम से आपको किसी भी बड़े हाईपर स्टोर हाईपर मार्ट पर आराम से मिल जाएगी चिपोटले सॉस ठीक है ये आपने ले लेनी है ये ऐड करनी है इसके अंदर 15 ग्राम्स ग्राम्स में 15 ग्राम्स और अगर आप टेबल स्पून में देखें तो आपने इसके अंदर ऐड करनी है टू टेबल स्पून भर के ठीक है ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करें मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें एक घंटा ये जना आजकल मौसम ठंडा है तो मैंने बाहर ही रख दिया था फिर लेना है यहाँ पर ब्रेडिंग का मिक्सचर ब्रेडिंग किसको बोलते हैं जो चिकन के ऊपर कोटिंग करते हैं उसको ब्रेडिंग बोलते हैं ब्रेडिंग की रेसिपी मैं फिर किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको वर्बली बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था ब्रेडिंग के लिए इसके अंदर दो बहुत ही मेन चीज़ें ऐड होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या है 500 हंड्रेड ग्राम्स मैदा लिया था मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर उसके अंदर जो भी स्पाइसेस मैंने चिकन में ऐड किया ना उसका डबल मैंने मैदे में ऐड कर दिया मतलब कि अगर मैंने फाइव ग्राम सॉल्ट लिया है तो डबल यानी कि टेन ग्राम सॉल्ट मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया दो चीज़ें मेन जो इसके अंदर जाती हैं वो है कॉर्नफ्लोर और चिकन पाउडर चिकन पाउडर जो है वो इसको फ़्लेवर देता है बहुत ही अच्छा बहुत ही मज़ेदार सा और कॉर्नफ्लोर जो आपने ऐड करना है इसके अंदर वो इसकी कोटिंग को हार्ड नहीं होने देगा क्रिस्पी होगी कोटिंग लेकिन हार्ड सख्त दांतों में चुभने वाली नहीं होगी फिर आपने क्या करना है ये चीज़ है आ, आप इसकी जगह ये तो मेरे पास माइक्रोवेव ओवन के अंदर क्योंकि मेरा बेकिंग भी साथ है तो उसके अंदर ये स्टैंड था आपके पास कोई भी कूलिंग रैक हो तो आपने वो ले लेना है वो क्यों लेना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी ठीक है मेरा जो कूलिंग रैक था वो पीछे बिजी था इस वजह से मैंने वो नहीं रखा मैंने यही रख लिया लेकिन आपके पास जो बड़ा मोटी जाली होती है आपने वो रखनी है फ्लैट प्लेट नहीं लेनी अच्छा कॉर्नफ्लोर जो आपने ऐड करना है फ़ाइव हंड्रेड ग्राम्स ऑल परपज़ फ्लावर या ब्रेडिंग के मिक्सचर में वो आपने ऐड करना है तकरीबन तो दो टेबल स्पून भर के दो टेबल स्पून फुली हीप्ड जो घर के खाने वाले चम्मच होते हैं ना नॉर्मली जो हम खाने वाले चम्मच यूज़ करते हैं वो आपने टू टेबल स्पून भर के यूज़ करने हैं और चिकन पाउडर आपने इसके अंदर टू टी स्पून भर के ऐड करना है चिकन पाउडर फ्लेवर बहुत अच्छा देता है बिल्कुल के एफ सी वाला फ्लेवर आता है और जो कॉर्नफ्लोर है ना उससे आपकी जो कोटिंग होती है ना वो हार्ड नहीं होती बहुत ही सॉफ्ट क्रंची क्रिस्पी लेकिन सॉफ्ट होती है अक्सर लोगों के मैसेजेस आते थे मुझे कि हमारे जो हम कोटिंग बनाते हैं वो हमारे मुंह में चुभती है बहुत हार्ड हो जाती है उसको सॉफ्ट रखने का कोई तरीका बताएंगे? क्रिस्पी हो क्रंची हो लेकिन सॉफ्ट हो तो उसका यही हाल है कि उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है फाइव हंड्रेड ग्राम्स के मैदे में आपने टू टीस्पून स्पून टू टेबल भर के ऐड करना है खाने वाले चम्मच ठीक है और फिर आपने अच्छे से उसको मिक्स कर लेना और फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर ब्रेडिंग करेंगे चिकन के पीसीज़ आपने ऐड हैं इस तरह से जैसे अभी मैम मिक्स कर रही थी इसी तरह से आपने मिक्स करते हुए दोनों हाथों की हेल्प के साथ इसको पानी में ऐड कर देना ठीक है अच्छे से इसको डस्ट ऑफ़ कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर बैटर लगे वो उतर जाए डस्ट ऑफ़ हो जाए और फिर आपने इसको पानी में ऐड कर देना पानी मैंने कोई बर्फ़ वाला नहीं लिया इसके अंदर कोई आइस साइड नहीं है कोई ठंडा पानी नहीं है नॉर्मल टाप वाटर जो है वो ही है बेशक गर्मी हो सर्दी हो आपने इसी मेथड के साथ बनाना है क्योंकि अभी तो नॉर्मली विंटर्स हैं तो विंटर्स में टाप वाटर भी काफ़ी ठंडा होता है तो आपने नॉर्मल टैप वाटर ही लेना है चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है टैप वाटर से बहुत अच्छा जो है वो इसके ऊपर रिजल्ट आ जाएगा दोबारा इसको हम लोग सेकेंड कोटिंग के लिए हम लोग अपने ब्रेडिंग के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और अगेन इसकी ब्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने करना है अपने हाथों की हेल्प से इसको रब करते हुए अच्छा रब आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना बिल्कुल आप इस तरह से देखें कि आपके हाथ में एक टिशू पेपर है एक टिशू पेपर को आप इस तरह से जो है ना वो रब करेंगे कि वो फटे नहीं तो बिल्कुल इसी तरह से आपने चिकन को भी रब करना है तो बहुत हल्के हाथों के साथ जब आप इसको रब करेंगी दोनों हाथों के दरम्या में तो इसके ऊपर बहुत अच्छी सी कोटिंग बहुत अच्छे से क्रम्स आ जाएंगे इस तरह से करते हुए जो आपने आ, अगेन जो एक्स्ट्रा है उसको डस्ट ऑफ कर देना यह करने के बाद आपने इसको फ्लैट प्लेट पे कभी भी नहीं रखना ये देखें फ्लैट प्लेट के ऊपर आपने कभी भी नहीं रखना अदरवाइज़ जो इसके क्रम्स हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जब आप उसको फ्राई करेंगी तो उसके क्रम्स नहीं आएंगे जो लोग घर पे बना रही हैं अपने लिए बना रही हैं बच्चों के लंच बॉक्स के किसी भी पर्पज़ के लिए आपने बनाना है तो आपने इसको फ्लैट प्लेट पे नहीं रखना आपने कोई मोटी जाली जो होती है ना कूलिंग रैक होता है आप उस पर रख लें मेरा कूलिंग रैक मैंने आपको पहले भी बताया कि बिज़ी था तो मैंने उस पर नहीं रखा मेरे पास ये माइक्रोवेव ओवन का स्टैंड था मैंने उसके ऊपर रख दिया तो इसी के ऊपर इसी तरह से आपने भी रखना है इस तरह से ये होगा कि जो आपने क्रम्स बनाए ना वो यहीं के यहीं सेट होते जाएंगे और ये बिल्कुल एकदम से फ्लैट नहीं होंगे फ्लैट सर्फ सरफ़ेस पे रखेंगी तो क्रम्स पे बिल्कुल बैठ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे तो इसलिए आपने जो है ना वो इस तरह के किसी भी कूलिंग रैक के स्टैंड पे रखना है तो इसी तरह से जो बाकी कोटिंग है मैं वो भी सारी कंप्लीट कर लूँगी अच्छा ये जो चिकन है ये आप सेल करने के लिए फ्रोजन फूड की कैटेगरी में आराम से सेल कर सकती हैं क्योंकि आप देखें कि जो हम बाहर से बाय करते हैं वो कितने एक्सपेंसिव पड़ते हैं और ये आप इसके साथ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पीसीज जो हैं वो आराम से बना लेंगी काउंट तो मैंने नहीं किए लेकिन आप काफ़ी सारे पीसीज जो आई थिंक इसका छोटा बॉक्स होता है उसके जितने पीसीज तो आप आराम से बना सकती हैं और आप देखें कि ये कितने अफोर्डेबल प्राइजेस की रेंज में ये बन जाएंगे 250 ग्राम चिकन है और आप घर पे बनाएँ तो कितने सारे बनते हैं और यही अगर आप मार्केट से बाय करें या आप जो बॉक्स पैक्ड होते हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के तो वो कितने एक्सपेंसिव आते हैं तो इसी तरह से आप लोग भी अपना अच्छा प्रॉफिट रखते हुए इसको ईज़िली सेल कर सकती हैं और जो मदर्स अपने बच्चों के लिए बना के रखना चाहती हैं आप लोग भी ईज़िली बना सकती हैं क्योंकि आजकल पाकिस्तान में होम शेफ़्स और होम बेकर्स इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो आप लोग भी इसको ईज़िली फॉलो कर सकती हैं फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि आपको नो हाउ होनी चाहिए आपके हाथ में टेस्ट होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए एक से दो दफ़ा ट्राई करने में आपको भी बनाना आ जाएगा और जिन बनाना आता है जिनको सब नो हाँ है, वो सबनोहा इस चीज को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर चिकन सारा मैंने कोट करके ब्रेडिंग करके रख लिया है और अब ये देखें कि जितना हम मार्केट से हाफ साइज़ का जो छोटा बॉक्स बाय करते हैं ये ऑलमोस्ट उतनी पीसीज़ हमारे पास घर पे बन चुके हैं और 250 फिफ्टी ग्राम्स के साथ और आप देखेंगे वो हमें कितना एक्सपेंसिव पड़ता है तो इसी तरह से आप भी इसको कर सकती हैं और इस स्टेज पे आके ब्रेडिंग करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना ताकि ये इसी तरह से सेट हो तो जाए जितना एक्सेस था एक्स्ट्रा था वो हम डस्ट ऑफ कर चुके हैं यहाँ पर एज इट इज़ ये ट्रे उठा के आप फ्रीज़र में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए ठीक है अच्छे से जब ये हो जाएंगे तो फिर आपने निकालना है स्ट्रे को यहां से एक एक करके उठाते जाना है और आपने इसको जिप लॉक बैग में ऐड कर देना है अच्छा ट्रे के ऊपर ही रखना है फ्लैट प्लेट में नहीं रखना और ऐसे ही उठा के फ़ौरन से लॉक में ऐड नहीं कर देना आपने जो जो भी आपने कूलिंग रैक लिया है या आपने जो भी ट्रे ली है या इस तरह का कुछ भी लिया है आपने वही उठा के फ्रीज़र में रखना है ताकि ये यहीं पे ठंडे हो जाए फिर आपने लॉक बैग में ऐड करना है तो आप आ, आसानी के साथ इसको जो है वो फ्रोज़न फूड की कैटेगरी में सेल कर सकती हैं अच्छा मैंने क्योंकि इसको फ़ौरन से फ़्राई करना था तो मैंने इसको जो है वो फ्रीज़र में नहीं रखा लेकिन आप पहले इसको अच्छे से ब्रेडिंग करने के बाद ऑलमोस्ट टेन मिनट्स के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ दें ताकि ये और थोड़ा सा सेट हो जाए आजकल आपको सबको पता है कि विंटर सीज़न है बाहर ही चीज़ें जो है वो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं तो ये टेन मिनट्स तक अच्छे से सेट हो से तो जाएगा फिर आपने इसको फ्रीज़र में रख देना फ्रीज़र में रखने के बाद जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए फिर आपने इसको जिप्लाग में ऐड करना तो यहाँ पर इसको फ्राई कर लेंगे अच्छा फ्राइंग का भी एक इसका डिफरेंट प्रोसेस होता है जो मदर्स मतलब घर पर बना रही हैं या जो अपने किसी पार्टी वगैरह के लिए बना रही हैं मैं आपको बता देती हूँ चिकन ऐड करने के बाद आपने तकरीबन दो मिनट तक इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है चम्मच इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगाना इस तरह से आप पैन को हिलाएं ताकि जो चिकन है वो हल्का सा मिक्स हो जाए ऑलमोस्ट तीन मिनट्स के बाद तीन मिनट के बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है इस तरह से मिक्स करते हुए और मिक्स करने के बाद फिर दूसरी साइड को भी आपने सेम इसी तरह से कुक करना है एक पोर्शन जो था एक बैच में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ ये मेरा सेकंड बैच था और आपने बहुत ज़्यादा भी एक साथ ऐड नहीं करने है इनको फ्राई होने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है प्रॉपर स्पेस इन्हें मिलेगी तो ये अच्छे से फ्राई होंगे क्रम्स नहीं टूटेंगे लेकिन ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना मिनट तक दो मिनट के बाद आपने इसी तरह से हिलाना है और तीन मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच लाना है ताकि इनकी साइड जो है वो चेंज हो जाए और फिर दूसरी साइड को भी अच्छे से फ्राई करने के लिए जब चेंज हो जाए फिर आपने चम्मच नहीं हिलाना दो मिनट तक और तीन मिनट के बाद फिर आपने जो है वो इसको हिलाकर डिश आउट कर लेना है तो आप ये देखें कि कितना खूबसूरत इसका गोल्डन सा कलर आया है और कितने खूबसूरत ये फ्राई बहुत जूसी बनते हैं बहुत सॉफ्ट बनते हैं अंदर से और बाहर से इसकी जो ब्रेडिंग है जो इसकी कोटिंग है वो क्रंची होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट मतलब चुपने वाली नहीं होती और आप पैन में देखें कोई भी ऐसा क्रम नहीं है जो टूट के गिरा हो जो ख़राब हुआ हो तो बहुत अच्छे से जो कोटिंग है जो हमारे क्रम्स हैं वो इसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं आप देखें कि इसकी लुक कितनी खूबसूरत है अच्छा निकालने के बाद भी आपने इसी तरह किसी स्टेनर में निकालना है और इसको कुछ देर स्टेनर में ही रहने देना नीचे कोई भी आप बॉक्स रख दें या कोई भी एयर टाइट कंटेनर रख दें जिसमें ऑयल जो है वो ड्रिप होता रहे ताकि ये बहुत ज़्यादा देर ऑयल में भी पड़े ना रहे अदरवाइज़ ये सौकी हो जाएंगे ये थी इसकी ओवरऑल लुक फ्राई होने के बाद देखें बिल्कुल के जैसा इसका इसकी लुक है इसका कलर है जो बिल्कुल के की तरह और टेस्ट में भी अलहमद ये बिल्कुल के की तरह लगता है तो अभी आपको इसकी क्रंचीनेस भी चेक कराती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रंची हैं ये इसकी लुक है और अभी आप इसकी क्रंचीनेस चेक कीजिएगा कि ये कितने क्रंची हैं लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा ये तो था जी इसका क्रंचीनेस टेस्ट और अंदर से ये कितने जूसी होते हैं, हैं मैं आपको चेक करवा देती हूँ बहुत मॉइस्ट बहुत सॉफ़्ट और जूसी बनते हैं ये नहीं होता अदरवाइज़ ये होता है कि बोलनेस चिकन को जब आप फ्राई करते हैं तो अंदर से बहुत ड्राई हो जाता है लेकिन ये के की तरह बिल्कुल अंदर से मॉइस्ट जूसी और सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रंची तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी मुझे फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में थैंक यू सो मच टेक केयर एंड अल्लाह अलाफेज़